हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी तीन मछलियों की कहानी है। एक नदी के किनारे एक जलाशय था। जलाशय के चारों ओर लंबी झाड़ियां होने के कारण उसका पता किसी को नहीं था, जिसके कारण नदी से कई अनेक मछलियां जाकर उस जलाशय में रहती थी। वह जगह मछलियों के अंडे देने के लिए भी उपयुक्त थी। जलाशय काफ़ी ज़्यादा गहरा था, जिसके कारण उसमें मछलियों के पसंदीदा पौधे और कीड़े पाए जाते थे, जिन्हें मछलियां आसानी से अपना भोजन बना लेती थी और जलाशय की गहराई में वे आसानी से अंडे दे सकती थी। उसी जलाशय में तीन मछलियों का एक झुंड रहता था। उन तीनों का स्वभाव भिन्न भिन्न था। अन्ना को संकट के आने से पहले ही उसका उपाय करने में विश्वास रखती। प्रत्यु का मानना था कि जब संकट आए तब उसका उपाय करना चाहिए। यदि का मानना था संकट आने से पहले ही उसका उपाय करना या संकट के समय उपाय करना, ये सब बेकार बातें हैं। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक शाम को जब मछुआरे मछलियां पकड़कर अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, तो उन सब के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि कई दिनों से उनके जाले में बहुत कम मछलियाँ फंस रही थी। मछुआरों ने देखा नदी से कुछ दूर झाड़ियों के ऊपर बगुलों का एक झुंड जा रहा था। उन सब बगुलों के मुंह में मछलियां दबी हुई थी। मछुआरों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही उन झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा हुआ कोई छोटा तालाब होगा। जब मछुआरे घनी झाड़ियों को पार करके जलाशय के तट पर पहुंचे, तो उनकी आंखें चमक उठी। पहला मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो नदी से बहुत ज्यादा मछलियाँ हैं। आज तक हमें इस जलाशय का तो पता ही नहीं था। इसके कारण हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। आज से हम इन मछलियों को पकड़कर अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। दूसरा बोला, आज शाम हो गई है, हम इस जलाशय में से कल प्रातः काल से मछलियां पकड़ना शुरू करेंगे। ये कहकर मछुआरे वहां से लौट गए। मछुआरों की बातें तीनों मछलियाँ ध्यान से सुन रही थी। अन्ना ने कहा, दोस्तों, हमें खतरे के संकेत मिल चुके हैं, तो हमें इसका उपाय करने के लिए इस जगह को छोड़कर नदी में चले जाना चाहिए, जिससे हम मछुआरों से बच सकेंगे। प्रत्यु ने कहा, अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तक खतरा आया नहीं है। क्या पता कल सुबह मछुआरों के यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो जाए। हो सकता है कि आज रात को अत्यधिक वर्षा हो, जिससे मछुआरों की बस्ती में बाढ़ आ जाए, या हो सकता है कि रात को बस्ती में आग लग जाए और उनके घर नष्ट हो जाएं। मछुआरों का कल आना निश्चित नहीं है, क्या पता मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। यदि ने कहा कि भागने से क्या होगा, यदि हमारी किस्मत में कल मरना लिखा हुआ ही है तो हमारी मृत्यु अवश्य होकर ही रहेगी। उस समय अन्ना तो नहर के रास्ते नदी में चली गई। अगले दिन सुबह मछुआरे आए। उन्होंने जलाशय में जाल फेंके और मछलियां पकड़ने लगे। प्रत्यु ने जब जाल को देखा तो उससे बचने का उपाय सोचने लगी। उस जलाशय में कई दिनों से एक मरी हुई लोमड़ी की लाश तैर रही थी। लाश सड़ चुकी थी। प्रत्यु जल्दी से उस लाश के पास पहुंची और उसके पेट में घुसकर पेट के सड़े हुए कुछ हिस्सों को अपने शरीर पर लपेट लिया और वहाँ से बाहर निकल गई। जब वहाँ मछुआरों के जाल में फंसी और मछुआरों ने जाल को खींचकर जलाशय के तट पर लाकर जाल को खाली किया, जब वह मछलियों को खाली कर रहे थे तो उन्हें एक मछली से दुर्गंध आ रही थी। बाकी सभी मछलियाँ तड़प रही थी, लेकिन प्रत्यु अपनी सांस को रोक कर पड़ी रही। मछुआरों ने प्रत्यु को उठाकर सूंघा तो उसमें से सड़ने की दुर्गंध आ रही थी। मछुआरा कुछ बड़बड़ाया और प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। इस प्रकार प्रत्यु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी जान बचाई। यदि किस्मत के भरोसे रही तो वह मछुआरों के जाल में फंस गई और तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें संकट की जानकारी मिलने पर उसको टालने का उपाय करना चाहिए, ना कि उस संकट के आने का इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।